press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मेरा रोड के बानेगर इंग्लिश हाई स्कूल में पुलिस का जमावड़ा इसलिए नहीं है कि यहाँ पर कोई बड़ी दुर्घटना घटी हो, बल्कि इसलिए है कि हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर पुलिस अपने कर्तव्य और सेवा के साथ साथ आपसी भाईचारे और एकता कायम रखने के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन करती आ रही है। और यहाँ पर आज भी थाने ग्रामीण पुलिस ने इफ्तार पार्टी का आयोजन कर अपना सिलसिला बरकरार रखा है। मीरा भाईंदर के सभी 6 पुलिस थानों के सीनियर PI और कर्मचारियों ने इस इफ्तार पार्टी में आकर अपनी एकता का सबूत पेश किया। इस इफ्तार पार्टी के आयोजन में पुलिस ने किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखी। स्थानीय नेताओं के अलावा यहां के सभी राजकीय दलों के नेताओं को भी इस पार्टी में बुलाया गया, जिन्होंने बड़े पैमाने पर आकर इस पार्टी की शोभा बढ़ाई। पार्टी में आए सभी मान्यवरों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। हमारे सहयोगी नगर सेविका और इस महानगर की पूर्व रमजान माह की शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एक पवित्र महीना जिसमें अनेक एक आयाम का फिक्स करके रखा है कि मेरा महीना में ये कार्यक्रम होना ही चाहिए। ऐसे हर कार्यक्रम हर समाज के लिए पुलिस के मार्ग जो कठिन हमारे ये कहते हैं कि तब यानी कि रोजे आप रखते हैं बहुत कठिन है, और स्पेशली सीजन में तो वो प्रार्थना मेरी ये रहेगी कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे और इस पवित्र माह में आपकी बंदगी को अल्लाह कबूल करे और आपकी वो सभी ख्वाहिशें पूर्ण करे जिसके लिए आपने इतने मेरा मंदिर के पुलिस स्टेशन के इंचार्ज मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्त, इस माह रमजान की आप सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपके हमारे नमाज को, रोज़ों को, ज़कात को, फितरे को, इबादत को जो है कबूल फरमाए। आपके हमारे इस रोज़े के ज़रिए आप में और सभी पूरी उम्मत में सहन शक्ति, सहनशीलता, पेशेंस, बर्दाश्त करने का मादा, इमदाद करना, खैरात करना, गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं की मदद करना, इस जज्बात को जो है कायम रखें और इसके ज़रिए आप इस महीने में किए हुए तमाम इबादतों को, इमदादों को जो है अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आपके रोज़ों को कबूल फरमाए। आप सभी लोगों को आने वाले ईद की बहुत सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ। पुलिस महकमे का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर साल की तरह इन्होंने इस साल भी जो है इस रमज़ान की इफ्तार की दावत को, रोज़गार को, उपवास रखने वाले व्यक्ति का उपवास छुड़वाना ये पुण्य का काम होता है। जैसे एक भूखे को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है, वैसे ही एक रोजगार का रोज़ा खुलवाना एक पुण्य का काम होता है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक जहती का मैसेज पुलिस महकमे की तरफ से दिया जाता है हर साल। इसके लिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट का सभी अधिकारियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय माता। समजता हूँ मराठी समजते आणि आमच्या विनंतीला मान देऊन आपण इथे आमच्या इफ्तार पार्टीसाठी आपण आलात, त्या आपल्या सगळ्यांचा मी मनापासून खूप खूप आभार। एकच संदेश देऊ इच्छितो, एकच म्हणू इच्छितो की या पवित्र महिन्यात आपण जे जे मागाल ते परमेश्वरांनी द्यावं असं मी परमेश्वर तरणी प्रार्थना करून या रमजान सणाबद्दल सगळ्यांना लाख लाख पोलीस विभागाकडून शुभेच्छा। थँक्यू। कडून सर्व बांधवांना करावा, पोलिसांकडून सर्व सहकार्य तुम्हाला मिळणार आहे। पुन्हा एकदा सर्वांना शुभेच्छा आणि मौलाना साहेबांना मी माईक हँडओव्हर करत आहे। और मैं पुलिस के सभी जिम्मेदार हजरात की जरूरत में बात है सलाम नर्ज करते हुए इन अल्फाज के साथ क्या हजरात के गुलूब में जो रोजे
नयानगर पुलिस द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में सभी जाति धर्म के मानने वालों को बुलाया गया था और सभी धर्म के लोगों ने इफ्तार पार्टी में शामिल होकर आपसी भाईचारगी की अद्भुत मिसाल कायम रखी। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी जाति धर्म के लोगों ने एक साथ मिलकर यहाँ पर इफ्तार पार्टी का आनंद लिया। आइए जानते हैं इस पूरे मामले में मीरा रोड के DYSP शांताराम मड़वी ने क्या बताया ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर से। पार्टी की गई थी पुलिस की तरफ से, ऐसे ही सब मिलजुल के ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, सब खुशियाँ रहे और पुलिस की तरफ से सबको रमजान की बधाई शुभकामना ये देने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। क्या इसके पीछे मंशा क्या होती है? बस ये कि समय में सब एकता बनी रहे और सब आनंद ही आनंद हो, एकता बनी रहे, यही मकसद है। कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ आपसी भाईचारगी कायम रखने के मकसद से आयोजित पुलिस द्वारा इफ्तार पार्टी से समाज में पुलिस के प्रति और विश्वास बढ़ता दिख रहा है। आप देख रहे थे मेरे यानी साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।